पिछले 4 दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में फैली गंदगी। गांधी चौक नीमताल से सीएमओ धीरज शर्मा के साथ नगर पालिका के अन्य कर्मचारी सड़क पर झाड़ू लगाते और कचरा उठाते हुए दिखाई दिए। सीएमओ ने आम नागरिकों से सिर्फ अपने घर के सामने और आसपास की सफाई करने की अपील की। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी पिछले 4 दिनों से अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, जिसके चलते विदिशा शहर में साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शहर के गली मोहल्ले तो ठीक, मुख्य सड़कों पर भी कचरा पसरा हुआ है। नगर पालिका सीएमओ धीरज राय ने कल अपील करते हुए आम जनता से शहर में सफाई करने की बात कही थी। उसी के तहत आज सुबह नीमताल से सफाई प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें सीएमओ के साथ साथ नगर पालिका के अन्य कर्मचारी भी शामिल रहे। सीएमओ ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि वे इस सफाई अभियान में नगर पालिका के कर्मचारियों का और उनका साथ दें। कम से कम अपने घर के आसपास की ही सफाई रखें, ताकि शहर को व्यवस्थित साफ सुथरा रखने में मदद मिल सके। नगर पालिका द्वारा क्या है आप खुद कर रहे हैं? वास्तव में नगर पालिका का जो अभियान है वो स्वैच्छिक अभियान है, जिसमें किसी पे कोई दबाव नहीं है। शहर में चूँकि हड़ताल के अंदर एक चल रही है सफाई वालों की, तो हमने प्रयास किया है कि हम गंदगी को उस हद तक कम करें। और हम व्यक्ति के रूप में मैं अपील करना चाहता हूँ सभी से कि अगर कोई अपने घर के सामने सफाई रख लेगा तो शहर को साफ रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। सर अभी कुछ कर्मचारियों ने आपके ऑटो रोक लिए, सफाई कर्मचारी नहीं, वो हड़ताल पर है, इन्होंने रोके हैं। सर ऐसे कब तक सफाई करेंगे आप? जितना समय लंबा होगा, जितने समय में मिलता रहेगा तो जितनी हमारी क्षमता रहेगी उस हिसाब से हम करते रहेंगे समय समय पर। ये आप लोग भी जानते हैं कि दैनिक हमारा जो स्टाफ उसको काम को कर नहीं सकता। वी आर नॉट प्रोफेशनल फॉर दिस। एक मैसेज देना है पब्लिक को कुल मिलाकर। हम तो ये चाहते हैं कि संदेश पब्लिक में जाए कि नगर पालिका हर आदमी पब्लिक की सेवा के लिए है, और हम वो कोशिश कर रहे हैं कि सेवा जैसे बन सके हम करें। क्या आगे चल के सामाजिक संगठनों को भी इन्वॉल्व करोगे? हाँ, मैं इसके बारे में अपील करना चाहूँगा सामाजिक संगठन से। आज भी जो है गोरक्षक सेवा जो हमारा है वो हमारे साथ है इस सफाई के जो है अभियान में।